नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में भाजपा के सातों मोर्चों के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष यूपी किसान मोर्चा के साथ भी बैठक करेंगे। बता दें कि दोपहर 2:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष यूपी किसान मोर्चा के साथ बैठक करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अपना जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद लगातार संगठन के काम में लगे हुए हैं। साथ ही साथ वो 2024 के चुनाव को एक चुनौती के तौर पर देखते हुए वो लगातार 2024 और निकाय चुनाव के लिए बैठकें कर रहे हैं, साथ ही साथ दौरे कर रहे हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आज एक बैठक का आयोजन करेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो 7 मोर्चे हैं, चाहे बात की जाए युवा मोर्चा, जो अलग अलग मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनके है। साफ तौर से अगर देखें तो 2024 के चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों के बारे में जायजा लिया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि अगर देखें तो भारतीय जब सरकार का गठन हुआ तो ऐसे कई सारे मंत्री अपने जो संगठन का पद था तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में किसी एक ही पद पर आप विराजमान हो सकते हैं, या संगठन के या सरकार के। तो इसको देखते हुए ऐसे कई सारे पद लंबे समय से खाली हैं। इसको भी इस पे भी चर्चा होगी कि कब उनकी नए जो पदाधिकारी हो उनकी नियुक्ति होगी। और माना ये जा रहा है कि लगभग 21 सितंबर तक जो पद बीजेपी के अंदर में खाली है उस पे नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। अब भूपेंद्र सिंह चौधरी जो तमाम प्रकोष्ठ जो तमाम मोर्चे हैं उसके पदाधिकारियों जो जिम्मेदार है, चाहे बात की जाए पिछड़ा मोर्चा, चाहे बात की जाए युवा मोर्चा, चाहे ऐसे जो तमाम जो व्यापारी मोर्चा, ऐसे तमाम मोर्चा के पदाधिकारी जिम्मेदारों के साथ आज बैठक करके और आगे की संगठन की जो रणनीति है उसको बताएंगे, साथ ही साथ 2024 और निकाय चुनाव को लेकर गुरु मंत्र देंगे। वहीं आपको बताएं कि इस बैठक के बाद 2:30 बजे तो भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा है उसके साथ वो बैठक करेंगे। और इस बैठक में माना ये जा रहा है कि जो खास करके जो किसान मोर्चे के पदाधिकारी हैं, और अगर देखा जाए तो अभी किसानों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है, तो इसको डिफेंड करने को लेकर जो किसान मोर्चे के पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही साथ इस सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने तक और कृषि के क्षेत्र में जो सरकार का काम किया जा रहा है, साथ ही साथ जो ऐसे कई सारे अगर देखे तो ठीक 1 साल पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें खास करके जो भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम क्षेत्र थे वहां डैमेज के तौर पे देखा जा रहा था, मगर विधानसभा चुनाव में उसका अच्छा परिणाम आया। और खास कर अगर देखें तो गन्ना किसान आज के समय पश्चिम में है और उत्तर प्रदेश को गन्ने का कटोरा कहा जाता है, तो ये गन्ना किसानों से जो सूखे पड़े हैं इन सब जगहों पर जाकर संवाद साधेंगे और किसानों को की जो बेहतरी है उसके लिए कुछ दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। जी मयूरी जी, 2:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष यूपी किसान मोर्चा के साथ बैठक करेंगे, किन अहम मुद्दों पर बात हो सकती है? जी मैं मयूरी आपको बताया कि अभी आपको मैंने बताया कि जब किसान आंदोलन हुआ और साथ ही साथ MSP और कई सारे मुद्दों पर किसानों का साफ तौर पे कहीं ना कहीं मांग था उस पे सरकार, अब तक जो सरकार का रुख है और जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर वो अब तक इस पे चुप्पी साध कर बैठे हैं। और लगातार जो उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत के द्वारा लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर और फिर से किसानों को जो मांग थी, साथ ही साथ अन्य जो सूखे पड़े हैं पूर्वांचल में इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी दौरे चल रहे हैं,
तो माना ये जा रहा है कि किसानों को जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं वो किसान जो किसान यूनियन जो किसान मोर्चे के पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आप जमीन के पे जाइए, आप ग्राउंड लेवल पे जाइए और जो सरकार की नीतियां हैं चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा बनाई गई नीति हो या उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री शिव प्रताप शाही के द्वारा बनाई गई नीतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं, योजनाओं को पहुंचाएं और सरकार के जो काम है उसको आम जनमानस तक बेहतर ढंग से रखें, इसको लेकर भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। साथ ही साथ साल के अंत में निकाय चुनाव है और इसे जो लोकसभा चुनाव है उसे सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है, तो सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अब भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठकें कर रही है तो किसान मोर्चे के भी पदाधिकारियों को जो ग्रामीण इलाके हैं वहां दौरे लगाए जाएंगे, साथ ही साथ सरकार की जो द्वारा बेहतर काम किए जा रहे हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए तमाम जो सात मोर्चे हैं और किसान मोर्चों के साथ जो 2:30 बजे बैठक होगी उसमें रखा जाएगा। मगर देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या ऐसा कुछ बैठक के अंदर में जो नव नियुक्त अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह चौधरी क्या उनकी तरफ से कुछ ऐसे निर्देश जारी किए जाते हैं किसान या मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो शाम देर शाम पता चलेगा। जी धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निवेदा का संविदा कर्मचारी संघ धरना प्रदर्शन कर रहा है। जानकारी के मुताबिक संविदा कर्मचारी संघ का धरना अनिश्चितकालीन के लिए चल रहा है जिसमें निवेदा संविदा कर्मचारी के संगठन द्वारा संविदा कर्मचारियों के वेतन ईपीएफ मेडिकल क्लेम फर्जी तरीके से नाम काटे जाने फर्जी लोगों को भर्ती किए जाने और अन्य समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे हैं। बता दें कि इस मामले से संबंधित अधिकारियों के साथ 2 बार बातचीत की जा चुकी है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं 14 सितंबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम सुल्तानपुर जनपद में लगा है। उस कार्यक्रम में संविदा कर्मचारी ज्ञापन देते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, संविदा कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? आवाज उठा रहे हैं,
हम जिस तरह मुद्दों को आवाज उठाना और जिस तरह शिकायत करना उस तरह की जो है अभी तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। इन लोग का ये कहना हो रहा है कल केशव प्रसाद मौर्य का भी आगमन हो रहा है, उसको लेकर हम ज्ञापन भी देंगे और अपनी बातों को जो है वहां पर रखेंगे। हम दरअसल हम बात करते हैं इनसे, इसलिए आप धरने पे बैठे और क्या है मांगे पूरी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगे क्या है इस मुद्दे को लेकर बैठे, क्या है मांगे हमारी? ये है कि हमारे सरकारी भाई है इनका 6 महीने से नहीं आ रहा है और एक्सीडेंटल केसों में जो है बीमा का कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। कार्रवाई संस्था द्वारा बताया जाता है कि हमने जो है ब्लॉक कर दिया है, अब 6 महीना हो गया लेकिन आपने लोगों के खाते में इनको पैसा नहीं दिया। अभी कल केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं और कल हम लोग उनको अपना ज्ञापन देंगे, उनसे अपनी बातों को रखेंगे और उनसे नया कुछ बात करेंगे। और ऐसे प्रकरणों में भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, भाजपा सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंसी आएगी, तो जीरो टॉलरेंसी उत्तर प्रदेश और कॉर्पोरेशन में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ से संविदा कर्मचारियों का सपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजर है अजय त्रिपाठी और उपाध्याय जी हैं सुपरवाइजर, दोनों लोगों द्वारा जो है संविदा कर्मचारियों को धमकाया जाता है, अवैध तरीके से धन उगाही करके भर्ती की जाती है, जो लीगल वे में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह काट दी जाती है, यही एसडीओ हस्तगत करके जो है वेरीफाई करते हैं, उनको बताया जाता है कि ये फर्जी है, इसकी जाँच होगी। तो जब उच्च अधिकारियों द्वारा अपने ही अधिकारियों के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं जिसके अंदर जब तक फर्जी हैं, तो फिर कार्यदायी संस्था द्वारा फर्जी अपलोड किए गए इसकी अपनी जाँच क्यों नहीं की जाती? जब कार्यदायी संस्था को विभाग ने पेमेंट कर दिया है तो उन्होंने 6 महीने तक हमको इसके क्यों नहीं दिया? ना देने का कारण हमको स्पष्ट किया जाए, ना हमारे पास कोई भी जो है कर्मचारियों के पास जो है सुरक्षा किट है, ना हमारे एम्प्लाइयों के पास आज तक कभी किसी को बीमा किसी के नाम पर कोई बीमा है ही नहीं। ये है कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन हुआ आज तक उसके लिए कह दिया जाता है कि आपके जिले में लागू नहीं है। हमारे बगल में गौरीगंज जिला है, गौरीगंज जिले से हमको अटैच करके लागू किया जाए, वहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन कराया जाए, हम वहाँ से इलाज कराएंगे अपने लोगों का। ऐसा ना करते हुए हमारे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारियों ने अपनी एकता को बनाए रखा है और इसीलिए हम लोग आज 6 दिन धरने पर बैठे हुए। आपकी अगर मांगे नहीं पूरी होती आगे चलकर क्या ठोस कदम उठाते हैं? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हमने कल एक ज्ञापन अधीक्षण अभियंता जी को दे दिया है कि हमारे उन केंद्रों पर लगे हुए प्राइवेट कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी भाई हैं उनको तत्काल अवमुक्त किया जाए और अपने सरकारी और अभियंताओं और उपखंड के अधिकारियों द्वारा उसको हैंड ओवर लिया जाए, उनको जिससे पावर हाउस चलवाना हो अपना चलवाए, हमको कोई आपत्ति नहीं। लाइट कटौती को लेकर क्या कहना हो रहा है जिसका जो है जनता प्रशासन? जनता परेशान हो रही है, जनता को परेशान होने के पीछे सब कर्मचारियों का ही हाथ, ये संविदा कर्मचारियों का हाथ नहीं है। हम लोग अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इसके लिए सारे अधिकारी ही जो कार्रवाई संस्था का समर्थन करते हैं। आशुतोष, आप इनसे पूछने की कोशिश करें कि धरने का ये 7वां दिन है, अभी तक इनकी समस्या कोई सुनने आया? जी बिल्कुल, आज धरने का 7वां दिन है, कोई समस्या को लेकर कोई सुनने आया या कोई आवाज उठाया हो? दो बार बैठक हुई, पहली बार 5 सदस्यीय टीम के साथ बैठक हुई अधिकारियों महोदय जी के साथ और 5 सदस्यीय टीम के साथ, जिसमें वार्ता विफल हो गई। उसके बाद ऑपरेशन मैनेजर और सुपरवाइजरों को बुलवाया गया जिसमें वार्ता की गई, जिसमें ऑपरेशन मैनेजर और सुपरवाइजर अपने आप को अपंग मानते हुए चले गए, जिससे वार्ता विफल हो गई। आज उन्होंने कहा है कि कार्रवाई संस्था के उच्च अधिकारी जो है लखनऊ से आएंगे, अब देखना है ये कि उच्च अधिकारी आने के बाद क्या निर्णय लेते हैं, क्या सारे मामलों का निस्तारण तत्काल प्रभाव से करते हैं या आनंद फानंद में खाली लाली पॉप देकर के चले जाते हैं। और जब तक सारे मामलों का निस्तारण नहीं होता है तब तक रिश्तेकालीन इसी तरह धरना चल जाते हैं, जिसके लिए सरकार खुद दोषी होगी और कर्मचारी खुद भी दोषी होगी, जिसके चलते आज सरकार का राजस्व घटता जा रहा है, उपभोक्ताओं को जो है विद्युत आपूर्ति से बाधित होती जा रही है, उनसे परेशानी झेलना पड़ रहा है, किसी के घर में पानी आ रहा है किसी घर में नहीं आ रहा है, कल रात में आंधी तूफान बरसात होने के कारण कई पावर हाउस बंद होते चले गए, उपकेंद्रों के बंद होने के कारण से विद्युत आपूर्ति बाधित होती जा रही है। हमारा काम जो है अनुरक्षण का और परिचालन का है, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य बहिष्कार कर चुके हैं, अब कार्य बहिष्कार में हम कोई लाइन न बनाएंगे न बिगाड़ेंगे, जो लाइनें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, जो बंद हो जाएंगी वो बंद हो जाएंगी, उसके लिए जो सरकारी लाइन मैन है सरकारी एसएसओ हैं और जो आज उपखंड अधिकारी हैं और अवर अभियंता वो अपने स्तर से खुद लेके इसकी जिम्मेदारी उठी। जिस तरह इनका यह कहना हो रहा है कि लगातार हम धरने पे बैठे रहेंगे, आज धरने का 7वां दिन भी है,
और इनका ये भी कहना हो रहा है जो लाइन चल रही वो चलती रहेगी, जो बंद होगी वो बंद नहीं रहेगा, हम इसको जो है चालू भी निकलने जाएंगे, और अगर जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं, आश्वासन नहीं मिलता, फिर हम आगे इससे भी कोई कार्य हम नहीं करेंगे, लगातार इनका ये धरना जो है जारी रहेगा। जी धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।